तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे तिली अपनी विचेस के साथ है ना मॉडर्न सिटी में जाने के लिए निकल जाती है। जो ब्रिज उसने नदी के पास यहां पे बनाया था ना, उसको भी यहां पे देखा जाता है, जिसको देखते सामने से ऐश कहती भाई ब्रिज अरे या प्रिंस भी ना बहुत ज्यादा पैसे आ चुके रहेंगे, उसने इतना लोहा लगा के ब्रिज यहां पे बनाया है। अरे शिप से तो भाई बंदे एक दूसरे एक पार से दोस्त पार जा ही सकते थे, नाव यहां पे था, सामान टेलीपोर्ट करने उसके लिए बड़े शिप होते थे, फालतू में पैसा बर्बाद यहां पे किया। जो सुनते पीले वाले वाली बीच यहां पे कहती नहीं नहीं प्रिंस ने अपना दिमाग यहां पे यूज किया, अभी के लिए इस एरिया में ना बहुत ही कम सिटीज आते हैं, जो भी सिटीज है उतना डेवलपमेंट यहां पे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चलकर ये जगह बहुत ज्यादा डेवलप होगा, जो कि प्रिंस यहां पे शायद करना भी चाहता होगा, यानी आगे चल के बिजनेस हो या फिर जो कुछ हो जाना उसके लिए बंदे लोग आना जाना करेंगे, और उस समय ना शिप से आना जाना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये ब्रिज यहां पे बनाया। यानी प्रिंस ने बहुत दूर की सोच के रखी थी, उतना दूर तक तो तेरा दिमाग ही नहीं जाएगा ऐश। सामने से ऐश यहां पे कहती वाह यार, जब मैं कह रही थी भाई प्रिंस अच्छा खाना बनाते हैं, उनके यहां बीचे सब अच्छी है, उस समय तू भी कह रही थी चल चल, और अब कह रही कि भाई बहुत दूर तक यहां पे सोचते अच्छे हैं। सामने से ये कहती भाई दूर के सोचना अच्छे होने में और खाने पीने में यार बहुत दूर दूर का फर्क यहां पे होता है, और दोनों को साथ में कंबाइन बिल्कुल मत कर, जैसे आगे जाते ना तो सोचा रोक लेते और कहते भाई रुको जरा सबर करो एक सेकंड यार, तुम लोगों को देखने से ऐसा कहीं को लगता है तुम लोग यहां पे वीचेस हो। सामने से बहन कहती यस हम लोग वीचेस हैं। नाइट कहता हो तो पक्का जो हमारा वीच यूनियन है ना आप लोग वो ज्वाइन करने के लिए आए होंगे, डोंट वरी हम अभी जाके बताते हैं। सामने से ऐश कहती नहीं नहीं ये तो, सामने से ये कहती है नहीं नहीं हम वेट यहां पे करेंगे, तो सिपाही बताने के लिए निकल जाते हैं। ऐश कहती है महारानी काई को यार आप बोल देते ना कि मैं तो प्रिंस की सगी बहन हूं यार, यू आपको अंदर परमिशन मिल जाता इंतजार करोगे। सामने से ये कहती है ऑफकोर्स भाई हम लोग बहन है तो क्या भाई नेपोटिज्म करेंगे, नहीं हम इंतजार करेंगे। नाइट के लिए यहां पे आती है, बातें कहती वेल यार मुझे तो लगा सच्ची में कोई नई विचेस यहां पर आई है हमारा यूनियन ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ऐश ये तो तू है वापस मुंह ठा के आ गई। सामने से वो कहती क्यों हाँ आ गई भाई नहीं आ सकती, स्वागत नहीं करोगे हमारा। सामने से ना तिली नोटिस करती है नाइट गर्ल को देखते कि वेल यार ये लड़की है ना यार फाइटिंग वाली विच यहाँ पे लग रही है, कमाल की लग रही है। नाइट गर्ल भी कहती है हेलो हेलो सारी विचेस, हेलो तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। नाइट गर्ल मेरा नाम है और पक्का आपका नाम यहाँ पे तिली है ना, हमारे प्रिंस की बहन, चलिए चलिए। तो अंदर साइड पैलेस वैलेस में लेके जाते हैं, वो जो थी लाल वाले वाली, लाल वालों नहीं भाई हरे वालों वाली सलाइवी जिसका नाम था, तिली को देख के खुश हो कहती है लेडी तिली कैसी हो। तो सामने से तिली कहती यस मैं तो बड़ी हूँ अपना बता तू यहाँ पे कैसी है और वाकई विचेस का क्या। ये कहती वाकई विचेस का क्या, तो जो बिल्डिंग बनाने वाली है वो अपना बिल्डिंग बनाने गई है, और जो यहाँ पे थी ना भाई हनी जो बिस्टों को पालती पोसती है वो बिस्टों को पालने पोसने यहाँ पे गई है, दारू वाली अपना दारू का टेस्टिंग यहाँ पे करने गई, यानी सब लोग अपना अपना कोई ना कोई काम करने गए हैं। पीछे से उतने में प्रिंस आ जाता है और कहता हाँ उनके उनके साथ टेंशन मतलब मिल लोगी, जरा हमारे साथ तो मिल लो भाई हमारी प्यारी बहना। उसके बाद ना भाई अपने ऑफिस में या फिर शायद डाइनिंग हॉल में जाते हैं, आराम से दोनों ऐसे बैठे हुए थे एक दूसरे के सामने। सामने से कहती है तिली कि देखो यार भैया लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हुई है, बहुत कुछ यहाँ पे बातचीत करना भी बाकी है और बहुत सारे सवालों का जवाब भी देना बाकी है। जो सुनते वो कहती है कि वेल हाँ नहीं अपना प्रिंस कहते वेल हाँ यार बहुत सवालों का जवाब यहाँ पे देना है, पूछो। वो पूछती यहाँ पे नहीं है बस घूर के देखे जा रही है, उसको आइडिया यहाँ पर है कि यहाँ पे ना हम दोनों अकेले नहीं है बल्कि कोई तीसरा भी है। ऑफकोर्स उसको नाइट गर्ल का आइडिया पड़ा था, ये नाइट गर्ल का आवाज लगाता और कहता विजुअल हो, विजुअल होती है ये कहता निकलो। सामने से वो कहते यार ऐसे कैसे यार आपकी बॉडी गार्ड हूँ। सामने से प्रिंस समझाता है मेरी बहन यार ये अटैक नहीं करेगी, तो नाइट गर्ल निकल जाती है। अब सामने से प्रिंस कहता हाँ मेरी बहन बोलो यार यहाँ पे खाली हम दोनों हैं, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ सकती हो। सामने से वो कहती है हाँ तो मेरा सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है तू है कौन। सामने से प्रिंस कहता है कि मैं हूँ कौन, अरे तुम्हारा चौथा भाई पूरे किंगडम में चौथा प्रिंस रोल एंड आप उन्हें। आई नो यार मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ, इससे तुम्हें शक हो रहा होगा कोई बह रुपया तो यहाँ पर नहीं आ गया, तो इसके पीछे की भी कहानी एक विच यहाँ पे थी जिसको एक साल पहले यहाँ पे बचाया था, मेरा दिल उसके ऊपर आ चुका था जी चक्कर में, बाद में धीरे धीरे मुझे आइडिया लगा कि चैच वाले कितने कमीने और कितने हराम ज्यादा यहाँ पर है, तो चैच को एक्सपोज करके विचेस को बचाने के बारे में मैंने सोचा। और ऐसी काफी सारी बातें ना झूठ झूठ यहाँ पे बताता है, रियलिटी तो हमें मालूम है ये पृथ्वी साया मॉडर्न बंदा इसको पूरा मालूम है कि मॉडर्न चीजें और साथ ही में कि विचेस बुरी नहीं होती वो तो अच्छी अच्छी होती है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ना तिली भी विश्वास कर लेती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, प्रिंस अपना खुश है कि चलो भाई थोड़ा बहुत ड्रामेटिक यहाँ पर हो गया, लेकिन अभी के लिए ये बताना ज्यादा जरूरी था, ज्यादा डिटेल में रियलिटी समझा नहीं सकता था इसको। हाँ लेकिन ये बात कि इसके पास इतना नॉलेज कैसे आ गया, इसने स्टीम इंजन और इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे बना ली, तो उसके बारे में इसने ये बोला कि अचानक से ना जो तीसरी बहन थी भाई उसने जान से मारने की मुझे कोशिश की थी, मेरे दवाई के अंदर भाई कुछ ऐसा जहरीला मिला दिया था वो मैंने पी लिया, उसके बाद से बेहोश हो गया था कोमा में चला गया था, तो कोमा से बाहर आते ही ना वेल देखो मैं यहाँ पे सही सलामत रह गया और मेरे दिमाग में अचानक से मेमोरी यहाँ पर आ गई थी। जो सुनते सामने से बहन कहती है नो वे मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहता वैसा ही हो रहा है यार। उसके बाद से दिमाग में काफ़ी नॉलेज आ गया और जब एना नाम के जो विच यहाँ पे थी
हुई जिसको फांसी लगाया जा रहा था। यार मुझे बुरा लगा कि बेचारी मासूम काई को लगाया जा रहा, तो मैंने बचाया और धीरे धीरे नॉलेज आया, समझदारी यहाँ पर आई और उसके बाद नॉलेज यहाँ पर बढ़ता गया और जो कुछ आज यहाँ पर है। लेकिन बहन के दिमाग में अभी भी डाउट आ रहा है कि ऐसे कैसे अचानक से हो जाएगा। लेकिन स्लैवी ने मुझे कन्फर्म कर दिया कि वेल ये जो है ना भाई मेरा भाई यहाँ पर है, कोई और यहाँ पर नहीं है। कौन कौन से चांसेस थे? पहले चांसेस यहाँ पे ये था कि ये कोई और विच हो सकता है जिसने इसका रूप यहाँ पे लिया है, तो वो भी लगभग यहाँ पे नाक के बराबर हो चुका है। और दूसरी यहाँ पर ये कि भाई कि हो सकता है ये अपना प्रिंस है लेकिन इसके बॉडी में कोई और घुस के कंट्रोल कर होगा। लेकिन स्टोन भी आसपास रहता है लेकिन स्टोन का भी कोई असर नहीं होता, इसके भी चांसेस यहाँ पे नाक के बराबर हो चुके। तो फिर कैसे यार कैसे? सामने से कहती है कि वेल यार तुम क्या साबित यहाँ पे, मतलब क्या सबूत है जिससे तुम ये साबित कर दोगे तुम मेरे रियल भाई रोलैंड यहाँ पर हो? हो सकता है कि भाई तुम एक बहरूपिया बंदे हो जो एग्जैक्टली मेरे भाई जैसा दिखता हो जिसके पास ये नॉलेज है। तो सामने से ये कहता है मेरी माँ, अच्छा ठीक है बाई चांस तुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई और बहरूपिया बंदा हूँ ना जिसने तेरा भाई का रूप लिया या फिर तेरे भाई के जगह पर आ गया हूँ, तो ऐसा अगर हुआ होगा मेरे दिमाग में बाकी नॉलेज होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें जो कि रियल वाले प्रिंस ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था मुझे भी वो भी याद है। और सबसे क्लोज मेमोरी जो हमारे बीच में था, तेरे पास है ना एक छोटा सा गिलास यहाँ पे था, क्या बोलते हैं मिट्टी का बना हुआ, तेरा फेवरेट यहाँ पे था लेकिन मैंने तोड़ दिया था। उसके बाद से तू रोई थी 2 दिन तक लगातार, तू यहाँ पर रोई थी और मैंने उस समय माफ़ी यहाँ पर नहीं मांगी थी, तो उसके लिए आज माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी मेरी बहन। तो कंफर्म हो जाती है तो वाकई में मेरा भाई है, तो लेकिन तो भी विश्वास नहीं हुआ कि अनबिलीवल यार तू कैसा था और आज ऐसा कैसे इतना चेंज हो गया। ये कहता है कि हाँ दुनिया में कई बार इन चीज़ें अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे हो जाती है, आई नो तुमको हल्की सी हैरानी यहाँ पे हो रही होगी लेकिन ज़्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, विंटर अभी बहुत ही लंबा है और जब तक विंटर यहाँ पे नहीं जाता तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा और पूरे विंटर में एक दूसरे का हम काफ़ी अच्छे से जान पहचान लेंगे। सामने से वो भी कहती हैं ये कुछ महीनों के लिए रहूँगी तो तुमको थोड़ी सी तकलीफ होगी। सामने से पेंस कहते तकलीफ क्या भाई, तुम्हें उल्टा और मजा यहाँ पर आएगा, आराम से रहो एंजॉय करो। और फिर तिली निकल जाती है, ये भी इसके सास में साथ साथ है। चलो भाई फाइनली बातचीत यहाँ पे खत्म हुआ, वरना एक के बाद ना पूरा नाटक करने में मेरी खुद यहाँ पे फटके 4 हुई पड़ी थी। लेकिन अब डोंट वरी, उसने विश्वास यहाँ पे कर लिया, अब सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया। उतने में सामने से फिर नाइटगेल वापस आ जाती है और कहती लो मैं वापस यहाँ पर आ गई। यार मुझे लगा ना भाई थोड़ा बहुत तुम्हारा जो रियूनियन यहाँ पर होगा ना वो बहुत ये होगा भाई, एकदम इमोशनल यहाँ पर होगा। ये सामने से कहता क्यों वो बता दे, क्योंकि भाई आपकी अपनी बहन यहाँ पर है ना भाई, लंबे से मत यहाँ पे मिले हो, बीच यहाँ पे बन गई है तो मुझे लगा। सामने से ये कहता यार ये उनके बीच में होता है जिनके बीच में वाकई में काफी ज्यादा गहरा प्यार होता है, आई नो मेरी बहन थी लेकिन यार बचपन से मैं हमेशा उसको परेशान करता था, वो जैसे बड़ी हुई उसने मुझे परेशान करना चालू कर दिया, फिर तो हमने एक दूसरे के साथ बातचीत करनी बंद कर दिया, तो यानी हमारे बीच में खाली दुश्मनी और नफरत यहाँ पे चलता था, जी चक्कर उतना इमोशनल रियूनियन यहाँ पे नहीं हुआ। सामने से वो कहती हाँ लेकिन वो भी एक बीच यहाँ पर है, हो सकता भी आपके खिलाफ जाके अटैक भी कर सकती थी और आपने मुझे बाहर भगा दिया, यानी आप उसके ऊपर इतना भरोसा करते हो। प्रिंस और सनी मेन रीजन वो नहीं है, मेन रीजन वो था कि अगर मैं ये सारी बातें जो बता रहा था ना तिली को, तिली ने तो विश्वास कर लिया लेकिन नाइट गर्ल भाई सच्चाई का पता लगा लेती, वो तो पता लगा सकती है ना कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है, इसको आइडिया लग जाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ इसलिए मैंने बाहर में निकाला था। वो इसका हल्का सा मुंह टच करती है और कहती है बोलिए यार मुझसे कुछ यहाँ पे छुपा रहे हो क्या? नहीं ना छुपा रहे हो, सब कुछ मुझे बताओगे ना? सामने से वो भी कहता हाँ यार तुमसे क्या छुपाना, तुमसे चीज़ें छुपाने से छुपेगी क्या? एंड देन ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।